चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक चीज बोलना है, खाली लाइव क्लास करने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को अब थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग्स करना है। तो आर बेसिक्स तुम लोग खत्म कर लो, जिनका नहीं किया हुआ है, जिनका CS1 में किया हुआ है, जिनको याद है ठीक है, जिनका किया हुआ है आर में बट CS1 में बट स्टिल भूल गए हो या फिर याद नहीं है, तो उनको थर्ड बेंच। तो मेरी क्लास में ऐसे ही होते से अलॉटमेंट होता है सीट्स का। और तुम हंस रहे ना, तुम यहाँ बैठेगा नेक्स्ट क्लास, यहाँ अभी नहीं नेक्स्ट क्लास। तो सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। सबसे पहले तो ब्रजेश मेहता कैमरा ऑन करो। तो सब लोग आर बेसिक्स जिनको याद है, जिनको लगता है, जो कॉन्फिडेंट है, उनको करने का जरूरत नहीं है। बट जिन लोगों को लग रहा है नहीं हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, थोड़ा याद नहीं है, तो 3-4 बेसिक्स क्लास करो। अगर करके याद आ जा रहा है तो फिर यू डोंट हैव टू कंटिन्यू, अदरवाइज यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर आर बेसिक्स। ऑलराइट, सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है। मेरे वीडियोस भी डाले हुए हैं, सिद्धार्थ सर के वीडियोस भी डाले हुए हैं। मेरे वीडियोस आई थिंक 10 वीडियोस है मेरे, सिद्धार्थ सर के 4 to 5 वीडियोस ही हैं। तो जिनको फटाफट कंप्लीट करना है कैन डू सिद्धार्थ सर वीडियोस एज वेल, कैन डू माई वीडियोज एज वेल, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। मेरा थोड़ा एलाबोरेटेड है, बस ये डिफरेंस है। तो ये आप लोगों को खुद से खत्म करना है, एंड साथ साथ में हम लोग ये स्टार्ट करें। हम लोग का लाइव क्लासेस आई थिंक 6th तक है कि 5th तक है, 5th तक है। अच्छा 6th इज अ संडे, ओके हाँ तो ठीक है। तो 5th तक हम लोग का क्लास है, उसके बाद जो तुम लोग को 1 वीक का गैप मिलेगा टिल 13th, तो उसमें तुम लोग को क्या कवर करना है दैट आई विल टेल यू। छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग, मैं आप लोग को टारगेट्स दूंगी, अभी आप लोग को जितने जने क्लास में दिख रहे हैं यहाँ पे 21 है ऑनलाइन में इंक्लूडिंग मी, तो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 और 20 20 30 स्टूडेंट्स इन टोटल अभी दिख रहे हैं। तो इसमें से तुम लोग देखोगे आफ्टर 1 मंथ 30 में से 10 बचेंगे खाली, क्यों, बाकी 20 कहाँ गए, उनका टारगेट से नहीं मीट हो रहा, तो उनका फिर वो क्लियर होना डाइसी हो जाता है। तो वो 10 पीपल विल श्योरली क्लियर देयर CS2 एग्जाम, दैट इज हाउ इट हैपेंस इन एवरी टर्म, इन एवरी टर्म, राइट। सो दिस इज वन थिंग। एंड अब तुम लोग को पूरा अच्छे से आर प्रोग्रामिंग खत्म करना है इस वीक के एंड तक। ऑल्दो नेक्स्ट वीक वापस से 8th से सिद्धार्थ का बेसिक क्लासेस है आर का, बट आई डोंट थिंक CS2 स्टूडेंट्स नीड टू अटेंड दैट ऑनलाइन, ठीक है। दिल्ली में वो लेगा तो तुम लोग को ऑनलाइन होगा, आई डोंट थिंक यू हैव टू अटेंड दैट इफ यू, क्योंकि हम लोग को आर में आगे बढ़ना है, हम लोग को आर साथ साथ में चलाना है, ठीक है। एंड आप लोग ये समझो कि मैंने ऑलरेडी CS2 का बैच स्टार्ट कर दिया था दिल्ली में, यू गाइज आर एक्चुअली लेट इन ज्वाइनिंग, मेनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, तो उन्होंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स वहां पे कर लिया है। तो जो उन्होंने 3 चैप्टर्स कर लिया, आप लोग 3 चैप्टर पीछे हो बेसिकली, ठीक है, वो भी आपको कवर करना है। हाँ रिस्क मॉडल्स है, उसके पहले री इंश्योरेंस है, और उसके पहले रॉ डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 चैप्टर्स है बेसिकली। तो वो 3 चैप्टर्स तुम लोग को नेक्स्ट वीक में बोलूंगी कवर करने। सब हो गया, अब सब हो गया, तुम देखना सब हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट। कल लास्ट क्लास से कोई भी डाउट है क्या किसी को, जल्दी बोलो, कोई भी डाउट है क्या लास्ट, कोई भी डाउट है, एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग को, जिन्होंने CM1 पढ़ा है उन लोग को पता होगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है? सो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, 5P10 का मीनिंग क्या है, 10 ईयर का इंसान नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जिंदा रहेगा, दिस इज व्हाट यू मीन, ठीक है। वी कैन राइट दिस एज 2P10, 2P10 मतलब 10 ईयर का इंसान 2 ईयर्स तक जिंदा है। सो व्हेन आई एम सेइंग 10 ईयर्स का इंसान 2 साल तक जिंदा है, मतलब 12th तक जिंदा है, मेरे को रखना कब तक है उसको, 15 तक, तो ये और 3 साल उसको जिंदा रखना है, तो मतलब 3P12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों। ठीक है जल्दी आओ, जल्दी आओ, पीछे बैठो, पीछे बैठो। तो ये क्लियर है, एकदम पीछे नहीं मतलब, हाँ। तो 2P10 into 3P12, क्लियर। इफ आई राइट 5Q10 इक्वल्स 2Q10 इंटू 3Q12, डज इट मेक एनी सेंस?
इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें मैं बोल रही हूँ कि 10 ईयर का इंसान है, 15 ईयर्स तक वो मर जाएगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एलएचएस वही बोल रहा है. और यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, पहले मैं बोल रही हूँ 10 ईयर का इंसान है, पहले तो वो 2 साल में मरेगा, फिर वापस वो 3 साल में मरेगा. तो इज इट पॉसिबल कि मरने के बाद दोबारा, एकता कपूर का सीरियल थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. तो ये इक्वल नहीं होता. ठीक है. हाय श्रीतु, हाउ आर यू. I'm good, ma'am. How are you? अहमदाबाद के स्टूडेंट्स दिखते हैं ना मेरे को, बहुत ही अच्छा लगता है. आई लव पुणे, अहमदाबाद, सूरत. बहुत वहाँ का वाइब बहुत बढ़िया है. ऐसे कैलकटा से तो बहुत ही अच्छा है. चलो ओके, क्लियर. ठीक है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. सो व्हाट आर वी सेइंग इफ यू जनरलाइज इट. फॉर एग्जांपल, एक्स प्लस टी टी जीरो. अच्छा, जो भी इस तरफ लिखते हैं ना पी के, दिस इज ड्यूरेशन नॉट एज. तो ये चीज थोड़ा क्लियर रखा करो माइंड में. 0 ईयर का इंसान एक्स प्लस टी ईयर जिंदा रहेगा, कैन बी रिटन एज एक्स पी जीरो इंटू टी पी. वेरी गुड. एक्स क्यों? क्योंकि वो 0 ईयर का है. एक्स साल जिंदा रहेगा तो एक्स ईयर्स का हो जाएगा एक्स प्लस जीरो. एंड एक्स ईयर्स का हो गया तो नेक्स्ट और कितना साल उसको जिंदा रखना है? टी ईयर्स जिंदा रखना है ना. पर कब तक जिंदा रखना है? एक्स प्लस टी तक. तो ये टाइमलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो पूछो क्विकली. दीज आर द क्विक रिविजन्स ऑफ वॉट यू हैव डन, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स हु डोंट अटेम्प्ट CM1 बिफोर CS2. तो उन अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेट मी नो. ऑल राइट. इवन आई अपियर्ड फॉर CT4 and 6 बिफोर CT5. तो मुझे भी हुआ था वो डिफिकल्टी, सो आई अंडरस्टैंड. नहीं, यही स्टार्ट हुआ है. खाली ये बोले आर बेसिक्स रिकैप कर लो, अगर नहीं याद है तो. याद है तो इट्स फाइन. अगर 1 साल 2 साल पहले या 6 महीने पहले किया तो क्विकली उसको, क्योंकि उसका लाइव क्लासेस करके टाइम वेस्ट मुझे लगता है CS2 स्टूडेंट्स के लिए है. लाइव क्लासेस होंगे, हो गए थे 2 ठो, और भी होंगे नेक्स्ट वीक, बट आई डोंट फील कि तुम लोग को वो इम्पोर्टेंट है अटेंड करना. क्लियर है? कॉपी कर लिया. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज M+NPX. किसका मैसेज आ रहा है? फोन साइलेंट. MPX इंटू X+M. ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं. NPX इंटू MPX+M. एनीवन जिसको इसमें डाउट है? हाँ, एन होगा, एन होगा. अरे हाँ भाई, चढ़ जाती हूँ एकदम. ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा है? SXT, विच वॉज वॉट? सर्वाइवल फंक्शन, विच वॉज प्रोबेबिलिटी TX. प्रोबेबिलिटी डिस्टर्बेंस है ना, प्रोबेबिलिटी TX ग्रेटर देन T. ठीक है, क्लियर. तो इसको ना यहाँ पे जो एक्स लिखते हैं, इट्स बेसिकली डिनोटिंग द एज ऑफ द पर्सन. सो इफ आई राइट ST, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी. एंड व्हेन आई राइट टी, इट मीन्स T0. ऑल राइट. एंड अंदर जो लिखते हैं, दैट्स द ड्यूरेशन. यहाँ एज, यहाँ ड्यूरेशन. तो इफ आई राइट लाइक दिस, कॉपी करना है इसे. मैं हैंड राइटिंग नहीं दिखा रही तुम लोग को अपना. प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टी एक्स प्लस टी. अंडरस्टूड, दिस इज द ड्यूरेशन. तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, बिकॉज ये सब जब समझ में आते हैं तो आप लोग को डाउट हो जाता है समहाउ. नाउ कैन आई राइट इन तीनों को लेके, ठीक है, इन तीनों को लेके कैन आई राइट लाइक दिस. भाई मेरा क्लास टाइम पे स्टार्ट होता है. कहाँ? इधर आगे, अंदर शिफ्ट हो. SXT equals PTX greater than T. Can I write like this? Probability T greater than X plus T given T was greater than X. इसका मीनिंग क्या हो रहा है समझो. इसका मीनिंग ये है, TX मतलब X का इंसान का कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन T. ए, तुम लास्ट क्लास तो अटेंड नहीं किया, तुमको समझ में आ रहा है? नहीं, तुम नहीं, तुम आदित्य. SXT नहीं किया होता तुम लोग CM1 में.
तो उठ के क्यों आ गया आज सुबह, उठ के अचानक से चलो सीएसयू की क्लास में? अपलोडेड है संडे वाला क्लास अपलोडेड नहीं है? कोई बोला क्यों नहीं फिर मेरे को मैसेज करके? संडे का क्लास अपलोडेड? अच्छा एक सेकेंड, मैंने क्लास में बोला था कि अगर अपलोड नहीं होगा आप लोग चैप्टर 6 का क्लास 1 देख सकते हो, ये चीज भी मैंने बोला था। तुम एफर्ट ही नहीं लिया। तो तुम किसी फ्रेंड, जब तुम आके इतना फ्रेंड लोग से बात करके आया तो फ्रेंड से पूछ लेता, मेरे से पूछ लेता, सर से पूछ लेता, किसी को भी कॉल कर लेता। ये सब बहाना है, एक्सक्यूजेस। तो प्रोबेबिलिटी टी, व्हेन आई एम सेइंग दैट टी एक्स ग्रेटर देन टी, मतलब एक्स का इंसान है टी अर्स तक मिनिमम जिंदा रहेगा, एक्स का इंसान है मिनिमम टी अर्स, मतलब ये एक्स प्लस टी है, गॉट इट? सो कैन आई राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन एक्स प्लस टी? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि एक जीरो ईयर का इंसान एक्स प्लस टी तक तो जिंदा रहेगा ही, गिवन। क्यों गिवन? क्योंकि मैंने ये ले रखा है ना इधर, गिवन टी इज ग्रेटर देन एक्स। ये सिमिलर इक्वेशन हमने लास्ट क्लास भी किया था फॉर क्यू एक्स, है ना, फॉर क्यू एक्स किया था हमने। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, उसमें हमने लेस देन किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग ऐसे, अच्छा ए गिवन बी को आप लोग कैसे लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज बाय प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी इज व्हाट यू राइट, है ना, क्लियर? तो यहाँ पे भी ये ए है, ये बी है, सो ए इंटरसेक्शन बी। नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा? प्रोबेबिलिटी हम बोल रहे हैं इससे बड़ा या इससे बड़ा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है ना, यस और नो? तो कैन वी राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन एक्स प्लस टी ओनली? इंटरसेक्शन हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, ना? तो इंटरसेक्शन पार्ट तो यही आ रहा है, एक ये है और एक ये है। नहीं एक सेकेंड रुको, मैंने गलत डायग्राम बना दिया, एक ये है और एक ये है। हाँ सही बोला मैंने, ये है और यही है। तो आपको बेसिकली ये पूरा पार्ट लेना है, है ना, ये पूरा पार्ट लोगे ना, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो ग्रेटर देन एक्स, यही होगा ग्रेटर देन एक्स इज बेसिकली मीनिंग कि एक्स तक, मिनिमम एक्स तक जिंदा है, और इसका मतलब है मिनिमम एक्स प्लस टी तक जिंदा है। तो दो नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, लाइंस मैंने सही बनाया, यही होगा। तुम लोग मीनिंग समझो, ठीक है, मीनिंग समझो। मीनिंग क्या है? एक में बोल रहे हैं जीरो ईयर का इंसान है वो मिनिमम एक्स ईयर्स तक जिंदा है, एक बोल रहे हैं जीरो ईयर का इंसान है वो एक्स प्लस टी तक जिंदा है। तो दोनों का जब आप लोगे इंटरसेक्शन, तो बड़ा कौन सा पार्ट हुआ? ये ना, ये बड़ा पार्ट है, ये उसका सबसेट है। इसका ये वाला जो पार्ट है वो उसका सबसेट है, गॉट इट? तो प्रोबेबिलिटी तो आप लोग यही लोगे ना, ये वाला ही लोगे ना। मीनिंग समझो, ये मैंने दिखा दिया ऐसे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग मैथमेटिकली समझोगे, लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों अगर समझोगे तो यही आएगा ना। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन एक्स, डज दिस मेक्स एनी सेंस? फिर इसका क्या सेंस है, फिर इसका क्या सेंस है बताना? ये वाला पार्ट एक्चुअली रिडंडेंट है इस केस में। आप लोगों ने पढ़ा है, एक होता है अनकंडीशनल, एक होता है कंडीशनल। ये वाला पार्ट रिडंडेंट है। क्यों रिडंडेंट है? आप लोगों ने मेमोरीलेस प्रॉपर्टी पढ़ा है, दिस इज दैट ओनली। ये पार्ट रिडंडेंट है क्यों? मैं बोल रही हूँ एक जीरो ईयर का इंसान है, गिवन वो एक्स ईयर तक जिंदा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक जीरो ईयर का इंसान टी प्लस एक्स तक जिंदा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप ये लिखोगे क्या, ये ग्रीन वाला लिखोगे क्या, कि आप ये लिखोगे
नीचे वाला लिखोगे ना, डायग्रामेटिकली समझोगे तो देखो गलत लगेगा, ये पार्ट लगेगा विच इज रॉन्ग. मैथमेटिकली ऑल्सो एंड लॉजिकली ऑल्सो दिस इज द करेक्ट आंसर ना. कहाँ दिक्कत आ रहा है बताओ, लॉजिकली समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैथमेटिकली भी यही आंसर है, बताओ क्या प्रॉब्लम है. सही है कि नहीं, लॉजिकली समझो चीजों को. इतना जो मैं डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ, ये हो सकता है कि आपको डायरेक्टली यूज ना आए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी लॉजिक ऑफ व्हाई यू आर राइटिंग दिस, राइट. तो ये हो गया गिवन. हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज टी ग्रेटर देन एक्स, गॉट इट. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉमन पार्ट एंड करके निकालते हो, यहाँ पे ये सबसेट है तो सबसेट नहीं लेंगे, ये पूरा लेंगे ना. प्रोबेबिलिटी तो सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे, गॉट इट. तो ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग बेसिकली ना ऐसे बोल रहे हैं, अगर तुम लोगों को ग्राफिकली समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, आई थिंक समझ में आ जाए. टी इज ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन नहीं, टी इज ग्रेटर देन एक्स प्लस टी, ग्रेटर देन एक्स. सो यू आर आइडियली टेकिंग दिस पार्ट, अगर तुम लोग को ऐसे समझ में आ रहे तो ठीक है. यहां तक हो गया. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्स प्लस टी पी जीरो लिख सकते हो, एक्स पी जीरो लिख सकते हो. हाँ, और इसको हम लोग ये एस एक्स टी को हम लोग एक्स पी टी पी एक्स लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज एक्चुअली व्हाट, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. दिस इज एक्चुअली व्हाट, ठीक है, सही है, देख लो. प्रूफ किया था कभी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऐसे, ये प्रूफ है आपका. प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई बिलीव व्हेन यू आर स्टार्टिंग CS2 यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. गॉट इट, ठीक है, नेक्स्ट करें, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. कॉपी हो गया सबको, कोई डाउट है, नहीं अभी कोई डाउट है तुमको, नहीं, चलो नेक्स्ट लिखो. PDF ऑफ TX, हमने CDF ऑफ TX लिखा था, CDF इज व्हाट, TQX ओनली, है ना. PDF कैसे निकालेंगे, ये प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको प्रूव करेंगे, लिखो प्रूफ, लिखो. PDF कैसे निकालते हैं, CDF को CDF को डिफरेंशिएट करके. CDF क्या था, प्रोबेबिलिटी TX लेस देन T विच वाज, वेरी गुड, TQX, है ना. तो लेट्स राइट लाइक दिस, लेट्स टेक एफ एक्स एस, ठीक है, टी की जगह मैं एस लिख रही हूँ, इट्स अ ड्यूरेशन, यू कैन राइट एनीथिंग. पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, ये डेल्टा का साइन है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द CDF, ठीक है. DDTX क्यों नहीं लिखते, बिकॉज यूजली वेन यू हैव मोर देन वन वेरिएबल तो हम लोग डेल एक्स यूज करते हैं, पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं. तुम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन सीखा है क्लास 12 में, याद है किसी को, है. लिमिट यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, मान लो डी डी टी ऑफ एफ एक्स करें. हाँ बोलो,
माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये होता है याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स याद है, दिस इज सेम. डिफरेंसिएशन ऑफ एफ एक्स कैन ऑल्सो बी डन इट इन दिस वे. याद नहीं तो इसको कॉपी कर लो. तो इसको हम लोग सिमिलरली करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स एस प्लस एच माइनस एफ एक्स एस डिवाइडेड बाय एस प्लस एच माइनस एस विच इज एच. इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला यूज करो, एस प्लस एच क्यू एक्स माइनस एस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एच. कॉपी करते जाओ. अब लेट्स कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ पी, वन माइनस एस प्लस एच पी एक्स माइनस वन माइनस एस पी एक्स वन वन कैंसिल आउट हो गया. क्या बचेगा, एस पी एक्स माइनस एस प्लस एच पी एक्स. यूजिंग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, वन माइनस एस प्लस एच पी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एस पी, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस पी एक्स इंटू, ऐसे लिख सकते हैं. तो ये वाला कॉमन आ गया, तो बचा अंदर में इसको क्या लिखेंगे, एच क्यू अब देखो एस पी एक्स वाला जो पार्ट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, उसको बाहर लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एच है. ये क्या था कल के क्लास से, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच क्यू एक्स बाय एच वॉज म्यू, तो दिस इज वॉट, वेरी गुड, हेंस प्रूव्ड. देख लो, ठीक है, नेक्स्ट करें. नेक्स्ट करें, चलो क्लियर. किसी को डाउट है किसी भी पार्ट में देख लो, बहुत इजी प्रूफ है वैसे तो. नेक्स्ट वाला प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है. टीपीएक्स ये तुम लोगों ने शायद किया है उसमें अपने CM1 में, पर फिर भी तुम लोग नहीं कर पाओगे. क्या करियो. ठीक है, तो अच्छा ये सब प्रूफ काम आता है सम्स में, सबसे ज्यादा यहाँ इसमें थोड़ा बहुत काम आएगा. एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को सी चैप्टर
वन से फाइव के बीच में काम आएगा। हाँ लिखो। सो अगेन लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ, ये हम लोग को प्रूफ करना है। सो अगेन लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द सी डी एफ। क्या होता है सी डी एफ? एफ एक्स टी। हाँ ओए क्या होता है? अभी ऊपर लिखा था, ब्लाइंडली कॉपी कर रहे क्या? अभी इसके ऊपर वाले प्रूफ में फर्स्ट लाइन लिखा है एफ एक्स टी का फुल एक्सपेंशन। पीछे से बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहा। टी क्यू एक्स, ठीक है, चीटिंग भी नहीं करना आता है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, डी डी एक्स, अच्छा डी डी टी लिख दो, एस के फॉर्म में कर लो या टी के फॉर्म में, जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल है। आई विल डू इट इन टर्म्स ऑफ एस। डी डी एस ऑफ एफ एक्स एस इज व्हाट? पी डी एफ, राइट? गॉट इट? एंड वी कैन राइट लाइक दिस, इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं अपने टी क्यू एस, सॉरी टी क्यू नहीं, एस क्यू एक्स। और इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? इस अभी इसको प्रूफ किया हम लोग, एस पी एक्स। इसका मीनिंग समझोगे अगर, तो इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो ये एक्चुअली पीडीएफ एक तरीके से, नॉट लेस देन कुछ होगा, टी एक्स इक्वल्स टू एस होगा ना, ये पीडीएफ है। इसका मीनिंग क्या है? इसको ग्रेटर देन होता तो वो खाली टीपीएक्स होता, लेस देन इक्वल टू होता है तो वो टी क्यू एक्स होता है। यहाँ हम इक्वल टू बोल रहे हैं, पीडीएफ इज इक्वल टू ना योर पी, विच इज वॉट कि एस पी एक्स, इंसान जिंदा रहा एस तक और तुरंत एस पे मर गया, मतलब फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी लग गया एस पे। एक्स का इंसान एक्स प्लस एस तक जिंदा रहा और इस समय फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी लग गया, तो ये हो गया पीडीएफ। ग्रेटर देन होता है टीपी टीपीएक्स, लेस देन होता है टी क्यू एक्स, ये इक्वल टू, ये पीडीएफ है। ऑल राइट गॉट इट? तो लॉजिकली समझोगे तो याद रहेगा, वरना वो याद नहीं रहेगा क्योंकि इतने सारे चीजें याद रखने हैं कंटिन्यूस में, तुम पीडीएफ नहीं निकालते है। पीडीएफ है, इट्स नॉट, एक सेकेंड, इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ पीडीएफ, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? तो तुम जो पीडीएफ पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल का, गामा का, उसको तुम कैसे लिखता है? ऐसे ही तो लिखता है, सिंगल पॉइंट पे आपका नहीं निकलता। इसका मतलब क्या पता है? लॉजिक क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक अगर समझो, मैं क्लास ही नहीं खत्म होगा लगता है। 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तुम बोल रहे हो यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बोल रही हूँ एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इस पूरे में इतने सारे वैल्यूज हैं कि जो आप एक सिंगल पॉइंट पे निकालोगे इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। दैट्स व्हाट प्रोबेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट द पीडीएफ। पीडीएफ एंड प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है। पीडीएफ इज डेंसिटी फंक्शन, अ डेंसिटी फंक्शन कैन गिव यू अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, अ प्रोबेबिलिटी कैन नेवर गिव यू अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है? अगर एसेट पढ़ा होता तो ये सब पता होता। चलो आ जाओ, तो यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग एक बार देखना है यहाँ पे सब लोग, मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग एक और स्टेप लेके लिखोगे। 1 माइनस एस पी एक्स, एस क्यू एक्स होगा, सॉरी एस पी एक्स ही होगा, ठीक है? आप लोग एक स्टेप लेके छोड़ के लिखना, मतलब आप लोग एस क्यू एक्स लिखना और फिर उसको लिखना, बीच में एक स्टेप मैं मिस कर रही हूँ, तो वो आप लोग इसको लिख लेना, एक बार देख लो, फिर आई विल गिव यू ऑल टाइम टू कॉपी, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये हो गया। नाउ डी डी एस ऑफ 1 क्या होता है? 0, ठीक है? ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? अब ये एस पी एक्स को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा एस पी एक्स। अब ये जो एल एच एस वाला पार्ट है, ये बेसिकली क्या है पता है?
लॉग ऑफ एलेन ऑफ एस पी एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है, 1 बाय एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1. इस केस में अगर तुम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये नहीं आएगा माइनस, चलो उधर ले जाते हैं माइनस को, अगर वैसे करना है माइनस इधर ले जाओ, ये नहीं आएगा. तो ये और ये सेम है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाय एस पी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ डी डी एस ऑफ एस पी एक्स आएगा. तो इसको फिर हम लोग कैसे करते हैं, देखो ये हो गया माइनस म्यू एक्स प्लस एस, फिर लेट्स इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t बोथ द साइड्स. नाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ क्या बचेगा, एल एन एस पी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 0 से t म्यू एक्स प्लस एस डी एस. एक्चुअली कैंसिल कैसे होता है ना, अगेन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कभी, ये जो चीज है डी एस, ये मैं लेके जा रही हूँ राइट साइड, तो डी एस इधर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ क्या बचा, डी एल एन एस पी एक्स. ये जो डी एस होता है ना, इसका लॉजिक ये होता है कि देखो फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है अंडर द कर्व, आप लोगों ने निकालना सीखा है एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया निकालो. तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हो जो भी उसका एरिया का फंक्शन होता है, ऐसे करते हो आप लोग, ये सीखा है आप लोगों ने, एरिया अंडर द कर्व ऐसे ही निकालते हैं. अब आप ये जो एफ एक्स है, दिस इज बेसिकली द फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है, इंटू डी एस करने का मीनिंग क्या होता है कि ये वेरी स्मॉल चेंज इंटू डी एक्स कर दो, ये जो डी एक्स है दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स. तो एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स इज द वर्टिकल लाइन, डी एक्स इज अ स्मॉल चेंज इन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलता है. वॉट वी आइडियली डू इज, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, वी आर डिवाइडिंग इन टू स्मॉल 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 रेक्टेंगल्स, वेरी स्मॉल रेक्टेंगल्स, उसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इन टू ब्रेथ, एंड उन सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब एड कर रहे हैं. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन, गॉट इट. तो इसीलिए ये जो डी एस है, उतने डिटेल में मत जाओ, मतलब मेरा मैथ्स का क्लास नहीं चल रहा यहाँ पे. डी एस इधर आ गया, बोथ साइड आई एम इंटीग्रेटिंग, तो ये इंटीग्रेशन एंड डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आ गया. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक. अगर किसी को कभी, क्योंकि मैं ये क्यों समझाती हूँ पता है, बिकॉज वेन आई वॉज स्टडिंग ऐसे लिख देते थे इंटीग्रेट एंड रट लोगे, इंटीग्रेट करना इसके बाद तो इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, मेरे को ये नहीं समझ में आता था भाई ये कैंसिल कैसे हो रहा है, ये बताओ. यू कैन नॉट कैंसिल दीज टू ना, ये कैसे कैंसिल हो रहा है. नाउ यू गेट द लॉजिक कि क्यों कैंसिल हो रहा है, ये डी एस उधर जा रहा है वैसे कैंसिल हो रहा है. तो ये हो गया. अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ में ले लेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया, ये बचा, हेंस प्रूव्ड. हाँ बोलो. मैम, जो हमें इंटीग्रेट करने के बाद एल एन एस पी एक्स लिया, उसमें लिमिट लिमिट भी तो डालेंगे टी और जीरो की, तभी तुम्हारा टी पी एक्स आएगा, वरना तो एस पी एक्स आ गया. हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, टीपीएक्स हो गई है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इधर. इंटीग्रेट अगर करोगे, लिमिट्स अगर डालोगे तो 0 पीएक्स क्या होता है, 0 पीएक्स और टीपीएक्स, टीपीएक्स माइनस 0 पीएक्स है बेसिकली. ठीक है, रुको एक सेकेंड. हाँ, मैं एक इधर ऐड कर देती हूँ ये चीज. चलो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग एक्सपैंड भी करते हैं, विच इज लॉग ऑफ टी पी एक्स माइनस लॉग ऑफ 0 पी एक्स इज वॉट, ऐ कोई नहीं बोलेगा, 0 पी एक्स इज एक्स का इंसान 0 टाइम तक जिंदा है, 1, एल एन 1 इज 0. ठीक है, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ 1 विच इज 0. तो क्या बचा, लॉग ऑफ टी पी एक्स इक्वल्स टू, वॉट इट,
कॉपी कर लूं। क्लियर एनी डाउट देख लो, समझ आ रहा है? क्लास नहीं के लास्ट क्लास कर लेना। अरे अगर नहीं भी हुआ तो चैप्टर 6 का क्लास 1 देख लेना भाई, मैं पहले का क्लासेस बहुत अच्छी, इससे अच्छा है। तुम नहीं था ना उसमें डिस्टर्ब करने, ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ इससे अच्छे से मेरे से नहीं हो सकता, सॉरी। कैसे लिखेंगे लॉग? तुम उसको इंटीग्रेट करियो दोनों तरफ, लॉग एस पी एक्स है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल। तो तुम कल तुम्हारा लिमिट्स तो आएगा ही ना, तुम दोनों तरफ लिमिट्स तो पुट करोगी ऐसे। हाँ दूसरा वाला मतलब ये वाला कौन सा? मेरे को तो तुम आंसर दे ही नहीं पा रहे कौन। ये CM1 का क्लास नहीं है, बोलो यहां से यहां कैसा है तुम बोल रहे हैं? कहाँ था ये पूरा? हाँ अरे ये पूरा चीज ही तो है, तुम ये क्या कर रहे हैं? देखो डी डी एस ऑफ एल एन एस पी एक्स कैसे करेंगे इसको? एल एन ऑफ 1 बाय एस पी एक्स चेन रूल इनटू डी डी एस ऑफ एस पी एक्स ना, वही चीज है। सब लोग कॉपी कर लिए? एनी डाउट? कोई भी पार्ट में डाउट है तो भी पूछ लो। चलो नेक्स्ट, ठीक है सबका हो गया कॉपी। चलो नेक्स्ट लिखो, UDD CFM। तुम लोग UDD एंड CFM किया है ना? एक एक्चुअली तुम लोग के सिलेबस में और था बाल्डुची, पर वो बाल्डुची हट गया तुम लोग के सिलेबस से। हम आई थिंक 1-2 साल पहले इन्होंने हटा दिया। तो दो अजम्पशंस हम लोग लेते हैं, UDD एंड CFM, एंड बाल्डुची था वो हट गया। तो अगर तुम लोग 2019 के पहले का पेपर्स, या आई थिंक 2019 में भी था, आई थिंक दे रिमूव्ड इन 2022, उसके पहले कभी भी पढ़ोगे जहां पे देखोगे दे हैव गिवन बाल्डुची यूज करने, हो सकता है कि बाल्डुची आप लोगों को उसमें भी दिया हो रिविजन नोट्स में, तो उसको इग्नोर करना, दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। ठीक है, बाल्डुची असम्पशन। ऑल राइट, सो बेसिकली हम लोग को टेबल बुक में क्या दिया हुआ रहता है? इंटीजर एजेस दिया हुआ रहता है ना, उसका एजेस दिए हुए हैं, एंड उसका हम लोगों को LX TPX क्यू एक्स म्यू एक्स सब कुछ दिया हुआ है। बट वॉट अबाउट नॉन इंटीजर एजेस? बिकॉज वी आर एक्चुअली ओवर हियर डीलिंग विद नॉन इंटीजर एजेस। लाइफ टेबल इज वॉट वी हैव टू मेक, लाइफ टेबल कंस्ट्रक्शन सीखेंगे हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड यूज करके। तो लाइफ टेबल कंस्ट्रक्शन में आप वो एक्स
टीपीएक्स, एलएनएक्स, म्यू एक्स कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं अलग अलग, है ना. कोई भी मॉडल बनाते हो, यू नीड टू मेक सर्टन काइंड ऑफ अजम्पशंस, एंड अ मॉडल इज एज गुड एज इट्स अजम्पशंस, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगा कि यूडीडी अजम्पशन लेना है या सीएफएम अजम्पशन लेना है. हम लोग के केस में हम लोग दोनों ही बार पढ़ते हैं. सो यूडीडी, सो इट्स बेसिकली फॉर नॉन इंटीजर एजेस. What do you mean by non-integer ages? For example, if I tell you 2p 30 निकालो, तो ये निकालना बहुत easy है, आपको टेबल बुक में दिया हुआ है. If I say 2.5p 30 निकालो, तो इसको आप लोग करोगे 2p 30 into 0.5p 32. तो ये कहाँ से निकाले आप 0.5p 32, मतलब एक 32 ईयर का इंसान 32.5 तक जिंदा, ये कैसे निकाल लें, टेबल बुक में है नहीं. So for that we need to make certain kind of assumptions. UDD is uniform distribution of deaths. Uniform full form लिख लो, uniform distribution of deaths. इसके अंदर हम लोग को derivation करने का जरूरत नहीं है. इसके अंदर हम लोग बोलते हैं TQX. There obviously T is between 0 and 1. T is between 0 and 1 मतलब integer है, non-integer है. 0.2, 0.8, 0.5, 0.9 years, whatever, ठीक है? This is equal to T into 1QX. Where T is between 0 and 1. सो यूडीडी में हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं, हम लोग बोलते हैं दैट इन केस ऑफ यूडीडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स इज बेसिकली लीनियर इन एलएक्स, लीनियर इन एलएक्स, या फिर लिख लो एक और कीवर्ड लिख लो यूनिफॉर्म डेथ्स थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म डेथ्स थ्रू आउट द ईयर. For example, if I tell you, जैसे at the age of x यहाँ 1000 लोग हैं, x plus 1 पे मान लेते हैं 900 लोग हैं, तो कितने लोग मरे पूरे साल, अब हमारे 100 लोग मरे, अब हमारे अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं UDD में deaths are uniformly distributed across the year. तो easy language में every month how many people died, 100 divided by 12. आधे साल में कितने लोग मरे 50, आधे साल में कितने लोग मरे 50. तो यहाँ पे एट एक्स प्लस 0.5 कितने लोग हैं 950. दिस इज द अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आता है, लीनियर इंटरपोलेशन याद आता है, तो यहाँ हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन ही यूज करते हैं टू डराइव. सो बेसिकली इफ आई मेक थ्रू अ ग्राफ, जैसे मान लेते हैं ये एज एक्स है जिसपे आपके 1000 लोग हैं, यहाँ एज एक्स प्लस 1 है जहाँ पे मान लेते हैं 900 लोग हैं, तो ये जो लाइन है यहाँ हम एल एक्स बना रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और ये आपका एज है, ये क्या हो रही है, लीनियरली डिक्लाइन है, एक लीनियर लाइन है, कोई कर्व नहीं है, लीनियर लाइन है, यस और नो, ये एक लीनियर डिक्लाइन दिख रहा है आपको. एंड यहाँ पे आपके आप बोल रहे हो कितने लोग हैं 950 लोग हैं, कहाँ पे एक्स प्लस हाफ पे, गॉट इट, लीनियर लाइन, लीनियर डिक्लाइन. तो अब हम लोग ये वाला चीज यूज करके मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू निकालना हो एट एनी गिवन पॉइंट, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एफ बी माइनस लीनियर इंटरपोलेशन, बेसिकली ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जो एल एक्स है इज अ स्ट्रेट लाइन, गॉट इट, हर एक इंटरवल पे आप बोल रहे हो इक्वल डेथ्स है, तो अगर 1/10 पे डिवाइड करें, 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, हर एक पार्ट में कितना कितने लोग मरे, 10 लोग मरे, आइडियली दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. सो लेट्स प्रूव वन थिंग, ये सब बना लो अगर बनाना है तो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय T is what? Any
नॉन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, ये हमेशा ध्यान में रखो जब कर रहे हो, टी इज अ नॉन इंटीजर, तो इसीलिए टी एक्स प्लस टी इज लेस देन एक्स प्लस वन. इफ दिस इज द केस देन एक्स प्लस टी इज लेस देन एक्स प्लस वन, येस और नो. तो ये चीज भी तुम लोग कॉपी कर सकते हो कि एक्स प्लस टी इज अ वैल्यू विच इज बिटवीन, टी कैन बी एनी थिंग, टी कैन बी 0.5, टी कैन बी 0.75. तो यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा एक्स प्लस 0.5 इज एक्स प्लस टी. ऑल राइट, तो ये हो गया एक्स प्लस वन माइनस एक्स. ये हम लोग यूज करेंगे. अब देखो लिखो, लेट एफ एक्स इक्वल्स एल एक्स. टी इज बिटवीन 0 एंड 1, एक्स प्लस टी इज बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस वन, ये हम लोग को क्लियर है. बेसिकली यहाँ हम लोग एफ एक्स को एल एक्स से अगर रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, एल एक्स प्लस टी माइनस एल एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स इक्वल्स टू टी. ठीक है, मैं पूरा इलाबरेट नहीं कर रही हूँ, आप लोग को लिखना है और तो लिख सकते हो. ये हो गया. नाउ लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एल एक्स ऑन बोथ द साइड, ऑन द लेफ्ट साइड. सो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस टी बाय एल एक्स माइनस वन, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ माइनस वन, एल एक्स प्लस वन बाय एल एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी. ठीक है, ये अब देखो एल एक्स प्लस टी बाय एल एक्स क्या होता है. वेरी गुड, टीपीएक्स माइनस वन बाय पी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी. कैन यू टेक माइनस कॉमन ऑन बोथ द साइड्स एंड कैन यू राइट 1 माइनस टी पी एक्स बाय 1 माइनस पी एक्स, दिस बिकम्स टी क्यू एक्स इक्वल्स टी इंटू, हेंस प्रूव्ड. डेरिवेशन सीखा था CM1 में, कर लो. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. 25 मार्क्स इन पेपर ए विल बी कमेंटिंग, 25 मार्क्स इन पेपर बी विल बी कमेंटिंग. यूडीडी सीएफएम सॉल्व करने का आएगा 2 मार्क्स और 5 मार्क्स आएगा उसके बाद वाला पार्ट कमेंट. तो 5 मार्क्स जो कमेंट ठीक से नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे. खाली 2 मार्क्स के बेसिस पे यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम, राइट? क्योंकि हर क्वेश्चन में आपके CS2 में 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी 9 आते हैं, एक टर्म में 7 क्वेश्चन भी आता. खाली इन ईच क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 7 मार्क्स ऑफ कमेंट. तो अगर वो कचरा लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. ये क्लास 12 का ऐसे राइटिंग नहीं है. दे विल सी द कीवर्ड्स, दे विल सी व्हाट लाइंस यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग वैलिड पॉइंट्स और नॉट, तभी मार्क्स मिलेगा. वैलिड पॉइंट्स नहीं लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा. लीनियर इन एल एक्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स अक्रॉस द ईयर, तो ये जो वर्ड्स हैं, फिर जब आप लोग रीड करोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, तो उसमें कमेंट्स रीड करना. और क्या करना है, जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, रिविजन नोट्स तुम लोग को मिला है तो रिविजन नोट्स में देखना, स्टार्टिंग में या एंड में ना हर एक बुकलेट में नोट्स दिया हुआ रहता है, पेजेस खाली होते हैं 2-3, तो वो पेजेस खाली इसीलिए ताकि आप जब पूरा बुकलेट सॉल्व करो तो हर एक देखना क्वेश्चन में सिमिलर कमेंट्स होते हैं और सिमिलर कमेंट्स में सिमिलर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, सिमिलर लाइंस यूज कर रहे हैं, तो वहां लिख लो. हर एक बुकलेट के पीछे में खाली एक पेज अगर भर लोगे ना, फिर एग्जाम के एक दिन पहले आपको खाली वो रीड करना है. या जितने बार भी आप लोग पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मान लो यूडीडी सीएफएम आया तो वहां जाके उसको रेफर कर सकते हो आप लोग कि भाई ये पॉइंट्स है, तो टेक दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन. गॉट इट?
तो ये कीवर्ड्स यूज करना, पॉइंट्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर CS2 एग्जाम. आप लोग कोई भी अनशन पॉइंट्स नहीं लिख सकते, मार्क्स नहीं देते हैं वो. ठीक है, कर लो इसको कंप्लीट. नेक्स्ट आ जाओ. हो गया सबका? तो ये ODD हम लोग सम साथ में करेंगे, CFM का कर लेते हैं पहले. CFM का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी. लिख लो, कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी. यहां हम बोलते हैं इट इज लीनियर इन लॉग LX, नॉट LX बट लॉग LX. ठीक है, हम बोल रहे हैं म्यू एक्स दो एजेस के बीच में 20 से 21 या वट एवर, म्यू 20 विल रिमेन द सेम. यूडीडी में ये अजम्पशन नहीं है. थोड़ा अगर मैं इसको इलाबरेट करूं, यूडीडी वाले पार्ट को, इसमें हम बोल रहे थे LX कॉन्स्टेंट है. ठीक है, TPX निकालते हैं अपने, TPX इंटू म्यू एक्स प्लस टी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज डाइंग एट टाइम एक्स प्लस टी, राइट? तो व्हाट आर वी सेइंग इज दैट ये पूरा चीज शुड इंक्रीज विद टाइम, प्रोबेबिलिटी. या फिर ऐसे समझो, TPX इज व्हाट डिक्रीजिंग विद टाइम, प्रोबेबिलिटी द पर्सन, एंड न्यू एक्स प्लस टी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग विद टाइम इन केस ऑफ दिस, है ना? तभी ये जाके तुम्हारा तभी ये जाके सेम आएगा, नंबर ऑफ पीपल डाइंग एट ईच पॉइंट. ये हम लोग को सेम रखना है या कॉन्स्टेंट रखना है बिटवीन एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन. तो म्यू एक्स इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बिटवीन टाइम एक्स एंड एक्स प्लस वन, एंड ह्योर इट इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, ह्योर इट इज, गॉट इट? ठीक है, सम से और अच्छे समझ में आते हैं कॉन्सेप्ट, बट मैंने लिख दिया है. ये लिख सकती हूँ, ये कमेंट्स में बहुत हेल्प करता है. अब देखो, लीनियर इन लॉग LX, लेट FX इक्वल्स लॉग LX, जो हमने ऊपर वाला FX लिखा ना, FX प्लस टी माइनस FX बाय, उसी में अब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, एक्स प्लस टी माइनस FX. लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? होता है लिख सकते हैं. विच इज लॉग ऑफ TPX डिवाइडेड बाय
लॉग ऑफ पी एक्स इक्वल्स टी। अब हमने क्या पढ़ा है, लेट टी पी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू टी। ये कैसे लिख रहे हैं देखो, हमने पढ़ा है टी पी एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो से टी म्यू एक्स प्लस एस डी एस। सो जीरो से टी, टी इज एनी नंबर लेस देन वन, टी इज एनी नंबर लेस देन वन। तो जीरो और वन मतलब अब हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं सी एफ एम में कि म्यू इज कॉन्स्टेंट बिटवीन जीरो एंड वन, तो जीरो एंड टी के बीच में भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जीरो से टी तक म्यू डी एस हो गया ये, विच इज एक्सपोनेंशियल म्यू एस जीरो से टी। इफ यू जस्ट सॉल्व द इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू टी हो गया इंटू जीरो वाला पार्ट हट जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग डायरेक्टली ओवर हियर। पहले देख लो फिर कॉपी करने का मैं टाइम दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस म्यू टी, और नीचे वाला हो जाएगा लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस म्यू इक्वल्स टी। कैंसिल होके सब क्या बच रहा है, ये प्रूव हो जा रहा है बेसिकली दिस इज इक्वल, दोनों आर एच एस एल एच एस प्रूव हो रहा है ना, ये प्रूव हो रहा है येस और नो। ये क्यों हमने ऐसे प्रूव किया, बिकॉज इन ऑर्डर टू शो दैट इन केस ऑफ सी एफ एम लॉग एल एक्स इज लीनियर बिटवीन एजेस टू इंटीजर एजेस। सी एफ एम का मतलब है कि फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इज कॉन्स्टेंट, दिस इज द अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग। ऑल राइट, टू प्रूव दिस पॉइंट वी स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि ये चलो मान लो ट्रू है, एंड फिर स्टार्ट किया हमने, ये हमने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया ना, टी इक्वल्स टू टी आ रहा है, एल एच इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर ये वाला चीज ट्रू है ये तो क्या है, एक लीनियर इंटरपोलेशन है। तो इफ यू आर सेइंग दैट एफ एक्स वेन इज इक्वल टू एल एन एक्स ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एल एन एक्स इज लीनियर। गॉट इट, दिस इज द होल पॉइंट। चलो करो। अब क्योंकि हम लोग बीच में ये वाला चीज भी यूज कर रहे हैं, बस देख लो, क्योंकि हम लोग बीच में ये वाला चीज भी यूज कर रहे हैं दैट टी पी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू टी, ये हम लोग यूज कर रहे हैं ना। तो अगर वापस इस वाले पार्ट पे आ जाए, वापस उस वाले पार्ट पे आ जाए, दिस इज एल एन टी पी एक्स इक्वल्स टी इन टू एल एन पी एक्स, ठीक है। कैन आई राइट लाइक दिस, एल एन वन पी एक्स टू दी पार टी, लॉग का ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाता है, तो लॉग लॉग कैंसिल, क्या बचा, टी पी एक्स इक्वल्स वन पी एक्स। दिस इज एक्चुअली हाउ यू सॉल्व योर सी एफ एम सम्स। जैसे वहां पे क्या था, टी क्यू एक्स इज इक्वल टू टी इन टू क्यू एक्स, यहाँ पे टी पी एक्स इन टू टी पी एक्स इज इक्वल टू वन पी एक्स होल टू द पावर टी, टी इज ऑलवेज बिटवीन जीरो एंड वन, डोंट फॉरगेट दिस। इसको करो, देखो कोई डाउट है क्या, देन वील डू सम सम्स।
कॉपी कर लूं? ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू राइट अ येस इन द चैट बॉक्स, समझ आया तो। कोई भी डाउट किसी को? नहीं, एक चीज और क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं इधर, जो ये वाला चीज समझाया था ना तुम लोगों को, इसको ही न्यूमेरिकली समझते हैं। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक्स पे 1000 लोग हैं, एक्स प्लस हाफ पे 950 है, एक्स प्लस वन पे 900 है, ठीक है? सो इफ यू कैलकुलेट हाफ पी एक्स, या मान लो हाफ क्यू एक्स, तो उसको कैसे निकालेंगे? 50 बाय, और यही चीज मैं निकालू हाफ क्यू एक्स प्लस हाफ विल बी 50 बाय 950। क्लियर? कौन सा बड़ा है, ये कि ये राइट वाला बड़ा है? तो आप बोल क्या रहे हो कि क्यू एक्स इज इंक्रीजिंग विद इन अ योर, इफ क्यू एक्स इज इंक्रीजिंग टीपीएक्स शुड गो डाउन, दैट इज वॉट वी हैव कमेंटेड ओवर हियर, सॉरी दैट इज वॉट वी हैव कमेंटेड ओवर हियर। लॉजिक इज क्लियर नाउ वाई इट इज गोइंग डाउन? लॉजिक इज क्लियर ना? एंड क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ डेथ्स चाहिए, तो हम लोग को ये इक्वल रखना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी टी एक्स इक्वल्स टू टी वाला जो चीज है वो इक्वल रखना पड़ेगा हर टाइम पे, हर टाइम टी पे। तो इक्वल रखने के लिए अगर ये गिर रहा है तो म्यू एक्स प्लस टी शुड इंक्रीज, फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी शुड इंक्रीज इन अ गिवन इंटीजर एज, इंटीजर एज मतलब 19 से 20 के बीच, 20 से 21 के बीच, गॉट इट? अब क्या होता है, ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड होता है। जैसे कि हम लोग यूजुअली बोलते हैं देर इज अ सडन स्पाइक इन मोर्टैलिटी बिटवीन एजेस 19 to 25 ड्यू टू, हम लोग एक्सीडेंटल डेथ्स बोलते हैं, दैट देर इज अ हम्प इन द कर्व, हम्प इन द कर्व मतलब हम्प इन म्यू एक्स जो हम लोग, या हम्प इन द डेथ्स जो हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ्स हो रहे हैं। आई शुड नॉट से दिस बट आजकल हम लोग बोलते हैं सुसाइड्स ड्यू टू प्रेशर हैपनिंग अलॉट बिटवीन एजेस 19 to 25, राइट? सो ये सारा चीज उस समय क्यों हो रहा है? तो एक सडन एक्सीडेंटल पंप आपको दिखता है, तो उधर उस केस में आप यूडीडी यूज कर सकते हो, जहाँ इन विद इन द इंटीजर एज ऑल्सो वी सी अ सडन इंक्रीज इन फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, राइट? बट देन वी मूव टू थोड़ा स्टेबिलिटी, जैसे आपका एजेस लाइक 40s जो है, या लेट 30s अर्ली 40s, उस समय थोड़ा स्टेबिलिटी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी वहां ले सकते हैं जहाँ बिटवीन इंटीजर एजेस फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? एंड देन अगेन इन 60s वी सी सडन स्पाइक्स, तो उधर पे आप वापस से FOM इंक्रीज करा सकते हो। सो पढ़ेंगे हम लोग आगे और अच्छे से, आप लोग मटेरियल भी जब रीड करोगे, तो ये हम लोग बहुत एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि कब UDD अज्यूम करना है, कब CFM अज्यूम करना है, हर एजेस में सेम चीज नहीं अज्यूम कर सकते, एज बैंड आप डिवाइड करते हो, गॉट इट? तो ये पूरा चीज क्लियर हो रहा है? कमेंट खाली ब्लाइंडली नहीं कर सकते, ये सब चीज अंदर का पूरा क्लियर होना चाहिए, बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एक सम करते हैं। आएंगे उस पार्ट पे। ज्यादा लोग जिंदा है, ठीक है, और फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी कांस्टेंट है, तो ज्यादा लोग मरेंगे इनिशियल ईयर्स में, वो लॉजिक है। एक चीज और कर लेते हैं CFM के अंदर में। हम लोगों ने कल MX पढ़ा था, सेंट्रल रेट ऑफ मोर्टैलिटी, उसका फॉर्मूला याद करो क्या था। एक्चुअली हम लोग बाल्डूची नहीं पढ़ते, तो तीन अजम्पशन क्या किया हमने UDD में, FOM इज इंक्रीजिंग विद इन इंटीजर एज, CFM में FOM फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इज कॉन्स्टेंट इन एन इंटीजर एज, बाल्डूची हट गया सिलेबस में, उसमें पढ़ते थे कि FOM इज डिक्रीजिंग। अब बोलोगे ये बहुत वियर्ड है, ये होता है आपके मिडिल एजेस में जब FOM यूजली डिक्रीज होता है, वो जब कांस्टेंट हो जाता है थोड़ा, अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस। MX बोलो फुल फॉर्म क्या था?
टीपीएक्स वो इंटीग्रेशन वाला बोलना। योगा तो अंडर सी एफ एम अगर एम एक्स निकालना हो तो म्यू एक्स क्या होता है अंडर सी एफ एम, कॉन्स्टेंट बिटवीन इंटीजर एजेस। तो ये म्यू एक्स टी पे डिपेंड नहीं करा, म्यू एक्स बाहर आ गया। क्या होगा? सो अंडर सी एफ एम सेंट्रल लिखना, अंडर सी एफ एम सेंट्रल रेट ऑफ मोर्टैलिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी। अंडर सी एफ एम सेंट्रल रेट ऑफ मोर्टैलिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी। दो क्वेश्चंस करेंगे। है क्या कांस्टेंट है ना, एज पे खाली डिपेंड कर रहा है। तो एक्स और एक्स प्लस वन के बीच में पूरा कांस्टेंट है, तो आप उसको म्यू एक्स ही लिख रहे हो। ठीक है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टी इसीलिए हट गया। हाँ ये कांस्टेंट नहीं, लीनियर है बेसिकली। शुरू इससे नहीं करें, ये प्रूव करना है मेरे को, है ना। अब क्या होता है कभी कभी जो चीज प्रूव करना होता है उसको ट्रू मान के स्टार्ट करते हो और फिर देखते हो कि एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होता है? यू कंसिडर नल हाइपोथेसिस टू बी ट्रू एंड देन यू स्टार्ट योर वर्क, राइट। सिमिलरली यहाँ आप बोल रहे हो लॉग एल एक्स इज लीनियर, यू आर अज्यूमिंग दिस टू बी ट्रू। नहीं, लॉग एल एक्स है, तुम प्रूफ कैसे चेंज कर सकती हो? तुम्हारा म्यू एक्स इज कॉन्स्टेंट। हाँ म्यू एक्स कैसे होता है? टीपीएक्स ई टू द पावर म्यू एक्स, तो वो लॉग वहां से आता है आपका। म्यू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टीपीएक्स, तो वो लॉग वहां से आ रहा है आपका, वो प्रूफ है। अगर मां म्यू एक्स कॉन्स्टेंट है तो लॉग, तभी हमने इसको प्रूफ किया है। तुम कुछ और ले लो, तुम एक्सपोनेंशियल ऑफ एल एक्स ले लो, ट्रू नहीं आएगा। तुम कुछ और ले लो ना। एंड बीच में हमने ये वाला चीज क्यों लिखा है? क्योंकि इट्स कांस्टेंट फोर्स, देन दैट इज व्हाई टीपीएक्स इज इक्वल टू दिस। वो भी हमने यहाँ पे ब्लू से राइट में प्रूफ कर दिया है ना। कोई और चीज ट्रू नहीं है, लीनियर नहीं है, तुम देख सकते हो, तुम लेके प्रूफ करो। बट यू नीड टू कंसिडर वन एस्पेक्ट दैट टीपीएक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू टी। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम हियर, बिकॉज म्यू एक्स इज कॉन्स्टेंट। चलो एक क्वेश्चन ले लो, आ जाओ। दो क्वेश्चंस करेंगे, एक ले लो। Q60 इज गिवन एज 0.008022। सॉल्व 0.5 Q60 एंड 0.5 Q62 अंडर यूडीडी सीएफएम। That's it. Malducci is not there. एक करो फिर दूसरा सम करेंगे, खुद से ट्राई करो, इजी है, फॉर्मूलाज बिठाओ आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, इसको टेक कर दो, 60.2 लिख दो, 62 तो इजी।
हुआ तो सबसे पहले यूडीडी करते हैं 0.5 Q60 इज 0.5 × 1 Q60 हाँ Q60 गिवन है मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ वेरी गुड इसका तुमको 0.5 मार्क्स मिलेगा नेक्स्ट 0.5 Q60.2 पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पी के टर्म्स में बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से ठीक है अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्लीज एक बार यहाँ पे ध्यान दो बात मत करो 60 60.2 हम लोग को क्या दे रखा है वो फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है हम लोग मैं रटने का जरूरत नहीं है पॉइंट सेवन तक ले सकते हैं क्यों पॉइंट सेवन तक ले सकते हैं क्योंकि हाँ करेक्ट तो ये वाला पार्ट क्या है
0.5 P 60.2 है, ये वाला पार्ट क्या है 0.7 P 60, विच वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग दिस अप्रोच. दिस इज 0.2 P 60, अगेन वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग पार्ट वन अप्रोच. हाँ गॉट इट. तो इसको एक बार सुन लो, 0.7 P 60 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस. सो 0.5 P 60.2 इज 0.7 P 60 डिवाइडेड बाय 0.2 P 60. वो फॉर्मूला था एक्चुअली, बट मैं वो नहीं लिखवाती हूँ. मतलब क्यों याद करना है वो तुमको, जब तुम इस टर्म से कर सकते हैं ऑलरेडी. तो इतने फॉर्मूलाज हैं याद करने को. अब इसको लिख कर सकते हो, ये हो जाएगा 0.7 इंटू क्यू 60, 0.2 इंटू क्यू 60. पूरा चीज सॉल्व करके आंसर बताओ. तुम्हारा गलत है जयवीर, गलत गलत. तो फिर ये गलत है. 0.0044. हाँ ठीक है, फिर ये आंसर है मेरे, इसमें गलत लिखा है. इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सीएफएम के केस में कर लेते हैं. 0.5 Q 60, 1 माइनस 0.5 P 60, विच इज 1 माइनस P 60 टू दी पार 0.5. TPX इज इक्वल टू PX टू दी पार T. तो P 60 दिया हुआ है, P 60 नहीं दिया हुआ है, 1 माइनस Q 60 दिया हुआ है. करके बताओ कितना आ रहा है. वेरी गुड. क्यों सेम है? अगर म्यू एक्स कांस्टेंट है तो टीपीएक्स को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा क्या? वो लॉजिक है? नहीं, वो लॉजिक नहीं है. बहुत ही स्लाइट डिफरेंस आएगा. 0.5 × P 60.2, अगेन वी कैन राइट दिस एज 0.7 P 60, जो ऊपर में हमने लिखा 0.2 P 60, 1 माइनस P 60 टू दी पावर 0.7 डिवाइड बाय 0.2 है, तो 0.5 हो गया, विच इज सेम 0.004019. नहीं, करना पड़ेगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स एज वेल. 1 मार्क है तो नहीं, बट ज्यादा को होगा तो करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रखो, हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन लिख के रखो. क्यू एक्स दिया हुआ है 0.1. सॉल्व फॉर एम एक्स अंडर यू डी डी एंड सी एफ एम. ठीक है, ये करके आना, ट्राई करके आना सब लोग घर पे. अप्रोच आई विल टेल यू कैसे कर सकते हो. तुम लोग पहले वो जो एम एक्स का एक्सपेंशन है वो ट्राई करो. क्यू एक्स दिया हुआ है, पी एक्स आ जाएगा, म्यू एक्स आ जाएगा. तो म्यू एक्स एंड एम एक्स इज सेम अंडर केस ऑफ सी एफ एम. क्यू एक्स से पी एक्स आ जाएगा, और तुम लोगों को पता है एम एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो वो अप्रोच यूज करके तुम लोग ट्राई करना निकालने का. ऑल राइट ठीक है, देख लो. चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, वील मीट टुमारो.